मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है और ऐसे में उन्होंने धर्मपत्नी साधना सिंह और बच्चों के साथ निवास में पौधारोपण किया है और इसके अलावा सीएम ने अलग अलग जगहों पर भी पौधारोपण किया है और साथ ही लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हम ठान लें कि एक लक्ष्य को किसी भी कीमत पर पूरा करना ही है तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। मैंने धरती माँ को हरा भरा करने का प्रण ले लिया है, क्या आप सभी इस मुहिम में मेरे साथ हैं? पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है और इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। सीएम ने यह बताया है कि उन्होंने मंत्रिमंडल के साथियों, परिवार के सदस्यों, पत्रकार मित्रों और शासकीय अधिकारियों के साथ पेड़ लगाए हैं। मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी बनना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। और इसलिए मन में ये भाव आया कि हर अवसर ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जिसका उपयोग जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो। और तब मन में ये भाव आया कि जन्मदिन पेड़ लगाकर मनाना चाहिए। जन्मदिन तो मनेगा ही, लेकिन इस माध्यम से जो पेड़ लगेंगे वो पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। और पर्यावरण बेहतर बनाना यानी पृथ्वी पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है, एक अभियान है। और इससे हजारों लोग अभी तक जो मेरे पास जानकारी है जुड़े हैं। और मैं सबको ये अपील और आह्वान करता हूँ कि ऐसे जीवन के शुभ अवसर पर हम खुशियाँ बांटें, धरती बचाने के लिए पेड़ लगाएं। जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, यहाँ तक कि माता पिताजी अगर नहीं हैं तो उनकी स्मृति में हम ये पवित्र कार्य कर सकते हैं। ये पृथ्वी को बचाने का काम है। मेरे मन में ये आया है कि ये अभियान तो लगातार चलेगा। मैं पेड़ लगाने निकल पड़ा हूँ, आप भी निकल पड़े ताकि धरती का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम बचा सकें। नशा मुक्ति अभियान वो भी चलाने का भाव मन में है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, ये एक और प्रमुख काम है जो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते करना चाहता हूँ। लेकिन पर्यावरण का मतलब पेड़ लगाना भी, जल बचाना भी, नदियाँ बचाना भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से ये पवित्र कार्य हम कर पाएंगे। मैं आज जो भाई और बहन, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, प्रशासनिक साथी हों, पेड़ लगा रहे हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर मेरे पत्रकार मित्रों को आज मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इस अवसर पर उन्होंने इस क्षण को बहुत यादगार बना दिया। पेड़ लगा के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।